नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर माय नेम इज सनी वर्मा आज के सेशन में हम इंडियन ज्योग्राफी का आइलैंड चैप्टर कवर करेंगे आई होप आई एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ एंड आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल एट द सेम टाइम आवाज़ सभी को आ रही है आवाज़ की आप लोगों को इश्यूज रहते हैं जय हिंद दोस्तों जय हिंद जय भारत वेरी गुड आफ्टरनून आर यू ऑल सेट ऑल गुड ऑल गुड बच्चे राधे राधे चलें जी स्टार्ट करते हैं सेशन लेकिन उससे पहले मुझे आपको बताना है अन अकेडमी के बारे में कि आप देखिए बच्चे बात क्या होती है क्यों हम लोग अन अकेडमी के बारे में आपको बताते हैं कि जो बच्चे अभी इलेवेंथ ट्वेल्थ में है वीडियो हमारी देख रहे हैं आपको डिटेल्ड कोर्स कवर करना है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट आपको टॉपिक वाइज पढ़ाए जाते हैं चाहे फिर वो मैथ्स हो इंग्लिश हो, हो कुछ भी हो वो सभी की सभी सब्जेक्ट कवर होते हैं सब्जेक्ट वाइज ठीक है जी टॉपिक वाइज कवर होते हैं हर एक टॉपिक जैसे फिजिक्स उठा लीजिए केमेस्ट्री उठा लीजिए ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट उठा लीजिए तो हर एक चीज़ को बताना पड़ता है लेबोरेटरी उसके लिए आपको लेना है सब्सक्रिप्शन बर्थडे कल था बच्चे थैंक यू सो मच तो सिक्स मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको सिक्स मंथ का एस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा क्योंकि रिटर्न एग्जाम सिर्फ एक स्टेप है पूरा प्रोसीजर तो आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है आपका यूनिफॉर्म उसके लिए आपको एस भी करना है और रिटर्न एग्जाम भी करना है ट्वेल्व मंथ का लेते हैं तो ट्वेल्व मंथ का एस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और ये काम आपको जल्दी करना है बिकॉज़ प्राइजेज हाइक हो चुके हैं प्राइजेज हाइक होंगे जल्दी हालांकि फर्स्ट अप्रैल को होने थे लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इसको थ्री फोर डेज और दिए हैं ग्रेस पीरियड के लिए तो इन ग्रेस पीरियड में आप टेन डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं रेफरल कोड टीम अर्पित का इस्तेमाल करके ठीक है जी चलिए कैपिटल लेटर्स विदाउट स्पेस होना चाहिए नाउ लेट्स कम ऑन द टॉपिक, थैंक यू सो मच बच्चे कल था बदे, थैंक यू चलो जी आइलैंड्स की बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स आइलैंड्स इंडिया के आइलैंड्स की बात करें तो टोटल 1382 ऑफ़शोर आइडेंटिफाइड आइलैंड्स है जिसमें की मेजर ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलेगो नाउ व्हाट इज एन आर्किपेलेगो आर्किपेलेगो इज दी ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कॉल्ड ठीक है जी थैंक यू सो मच बच्चे थैंक यू यहां पर देखिए कि आप आइलैंड्स बोल रहे हैं तो आइल्स भी होता है आइल्स क्या होता है जो छोटा आइलैंड होता है उसको आइल्स बुलाते हैं ठीक है तो अंडमान एंड निकोबार कहां पर है बे ऑफ बंगाल में है और दूसरा ग्रुप है हमारे पास लक्षद्वीप आईलैंड ये कहां पर है ये अरेबियन सी में है ठीक है जी अंडमान एंड निकोबार एंड एंडी सी आपके पास दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर फॉर्म ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड बर्मा माइनर प्लेट जो इरेशन का पार्ट है और हिमालयस की फॉर्मेशन जिस तरीके से हुई थी वैसे ही हिमालयस को तो लार्ज एरिया जो कि एक आर्च था वो जाकर के टकराया लेकिन जो एज थी आपकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तो उसने भी फॉर्मेशन की है हिमालय की जो की सब्सिक्वेंटली बे ऑफ बंगोल के नीचे भी मिलते हैं तो अंडमान एंड निकोबार फोम ड्यू टू दॉलीजन बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द बर्मा प्लेट अंडमान एन निकोबार आइलैंड आर द साउथ वर्ड एक्सटेंशन ऑफ द अराकन योमा अराकन कहा जाता है हिमालय को म्यांमार में ठीक है जी अराकन योमा इज इट सेल्फ एन एक्सटेंशन ऑफ पूर्वांचल हिल्स तो बड़ी प्लेट से जो भी फ्रिक्शंस या फिर फोल्डिंग हुई है उसके पार्ट्स अंडमान एंड निकोबार हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स आर कोरल आइलैंड्स कोरल रीफ से बने हैं ये कोरल रीफ्स अगर सर्कुलेटरी होगा तो क्या होगा उनको हम अटोल्स बुलाते हैं अगर कोरल रीफ्स सर्कुलेटरी होगा तो उसको हम अटोल्स बुलाते हैं बेटा मिलता ही है आपको पीडीएफ ठीक है तो आपको याद होगा हमने आर्कियन पीरियड के अंदर एक बात करी थी कि सिक्सटी एगो मिलियन हॉटस्पॉट के पास ढेर सारा इरप्शन हुआ था इंडियन प्लेट्स में तो उस इरप्शन से आपके वोल्कनिज्म हुए उस वोल्कनिज्म के सर्कुलेटरी फॉर्मेशन के आसपास पॉलिप्स इकट्ठे हुए और उन पॉलिप्स से बना है आपके अटोल्स ठीक है आपके यहां पर दो वोल्केनिक ओरिजिन है आइलैंड्स में लक्षद्वीप में मेजरली अटोल्स हैं इसमें ठीक है अदर देन दीज टू ग्रुप देयर आर आइलैंड्स ऑफ द इंडो गटिक डेल्टा जो कि आपको बंगाल में मिलेंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी बहुत से आइलैंड्स हैं जैसे कि आपका राम सेतु जिसको हम कहते हैं वो भी आपके सबमर्जेंस के अंदर आते हैं अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ कि जैसे हमारा इंडिया है इंडिया का पेनिनसुला है पेनिनसुला जहाँ पर टाइट्स ज़्यादा आती है उसको हम बुलाएंगे जहाँ पर टाइड्स ज़्यादा आती है उसको हम बुलाएंगे जोन ऑफ सबमर्जेंस क्या बुलाएंगे जोन ऑफ सबमर्जेंस क्योंकि सबमर्ज हो गया यहां से एरिया इतना लेकिन जहां पर टाइड्स कम आती है उसको हम बोलेंगे जोन ऑफ एमरजेंस कहने का क्या मतलब है जो कोस्टल एरियाज पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं वो जोन ऑफ सबमर्जेंस है वहां पर टाइड्स ज्यादा आती है तो आपको वहां पर स्मॉल बोट्स से आता हुआ आ, कार्गो दिख जाते हैं लेकिन जहां पर बीचिस वगैरह ज्यादा बनते हैं वो आपका जोन ऑफ एमरजेंस में आता है ठीक है तो आइलैंड्स भी बनते हैं एक कोस्टल एरिया के आसपास तो आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप जो कि कोरल आइलैंड्स है यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप के कौन कौन से पार्ट्स हैं पहले तो हम बात करेंगे सदर मोस्ट पार्ट जो कि लक्षद्वीप का है वो है मिनिकॉय मिनिकॉय लक्षद्वीप से सेपरेटेड होता है नाइन डिग्री चैनल से एक दूसरा आइलैंड है मालदीव्स मालदीव सेपरेटेड मतलब मालदीव इज अनदर कंट्री तो ये मालदीप जो है वो अलग होता है मिनी कॉय इट मीन पूरे के पूरे लक्षद्वीप से वो होता है एट डिग्री चैनल से विच चैनल सेपरेट्स मालदीव एंड द द आंसर विल बी लाउड एंड क्लियर दट इज एट डिग्री चैनल विच चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप मिनी कॉय फ्रॉम द मेन ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप आंसर शुड बी नाइन डिग्री चैनल ठीक है जी सताल बच्चे आइए यहां पर अब हम बात करें आपके अंडमान एंड निकोबार की अंडमान नॉर्थ में पड़ेगा साउथ में पड़ेगा आपका निकोबार अंडमान नॉर्थ अंडमान मिडल एंड द साउथ अंडमान ये मेजर ग्रुप है जिसको हम ग्रेट अंडमान कहते हैं एक छोटा आइलैंड है जिसको हम लिटिल अंडमान कहते हैं ग्रेट अंडमान से लिटिल अंडमान सेपरेट होता है डंकन पैसेज से अंडमान से निकोबार सेपरेट होगा टेन डिग्री चैनल से इंडिया का सदर मोस्ट पॉइंट जो कि सिक्स डिग्री फोर मिनट में पड़ेगा वो है इंदिरा पॉइंट जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी बुलाते हैं वो आपका पड़ेगा निकोबार में निकोबार में भी कहा मिडल स्मॉल क्या देखिए अंडमान निकोबार दिस इज योर टेन डिग्री चैनल टेन डिग्री क्या है टेन डिग्री लैटिट्यूड ठीक है राइट right. यहाँ पर जीरो डिग्री रहेगा जहाँ पर इक्वेटर है इक्वेटर से ऊपर की तरफ हमें आना है तो हमें सेट कर लेना है चीज़ों को ठीक है जैसे कि ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव की बात कर रहे हैं तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है हम्म इंडिया का जो नदन मोस्ट लेटिट्यूड है वो है आपका 37 डिग्री ठीक है ये भी आपका नदन मोस्ट पार्ट में पड़ेगा ठीक है ज्योग्राफी से कितने सवाल आएंगे मैक्सिमम ट्वेंटी हो सकते हैं ट्वेंटी भी हो सकते हैं, है, जिसमें से इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन ज्यादा आएगा अगर एटीन क्वेश्चन है तो अप्रॉक्सिमेटली टेन इलेवन क्वेश्चन इंडियन होंगे रेस्ट क्वेश्चन ज्योग्रफी ठीक है तो देखिए अंडमान एंड निकोबार में दिस इज नॉर्थ अंडमान मिडल अंडमान एंड योर साउथ सदर्न अंडमान फिर यह है लिटिल अंडमान यहां से जो जो गैप देख रहे हैं दिस इज योर डंकेन पैसेज डंकेन पैसेज ठीक है Duncan Passage. Duncan Passage. जी दिस इज योर लिटिल अंडमान कैपिटल कहां पर है अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर वो है आपकी बिल्कुल साउथ अंडमान में ठीक है ये एक छोटा सा पार्ट देख रहे हैं ये आइलैंड इसको हम रटलैंड आइलैंड बुलाते हैं जैसे आप चीजों को रटते हैं ना वैसे ही रटलैंड है ठीक है रटलैंड आइलैंड रटलैंड आइलैंडस सेपरेटेड फ्रॉम द लिटल एंडमान आंसर इज डंकिन पैसेज सदर अंडमान सेपरेटेड फ्रॉम लिटल एंडमान आंसर भी सेम रहेगा डंकन पैसेज ठीक है थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर के अगर हम देखेंगे यहां पर है कार निकोबार सबसे नदन जो आइलैंड है निकोबार का वह है कार निकोबार फिर आपका आएगा ग्रेट निकोबार सबसे साउथ में दिस इज यर लिटल निकोबार तो यहां पर जो सदर मोस्ट पॉइंट है वो है आपका uh, इंदिरा पॉइंट वो आपका ग्रेट निकोबार में है ठीक है जी इस बात का याद रखना है ठीक है जी लव यू टू माई डियर फ्रेंड आई होप एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ अंडमान एंड निकोबार ध्यान से देखेंगे एक बार दोबारा से अंडमान एंड निकोबार कितने एक्सटेंशन के अंदर है डिग्री फोर्टी फाइव नॉर्थ से थर्टीन डिग्री मैक्सिमम तक ये जाएगा इट मीन इट मीन सिक्स डिग्री से यहां से लेकर के थर्टीन डिग्री यहां तक आपको अंडमान एंड निकोबार मिलेंगे सिक्स डिग्री फोर्टी फाइव तो आपको पता लग गया इंदिरा पॉइंट है नदन मोस्ट पॉइंट क्या है आपका आपका ये नदन अंडमान जिसके अंदर यहां के आइलैंड्स आएंगे नाम भी यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको स्पेसिफिकली ठीक है जी यहां पर आप कोको चैनल देखेंगे कोको एक्चुअली एक आइलैंड है ये कोको आइलैंड आता है म्यांमार के अंदर सो क्वेश्चन देखिए कि विच कंट्री इज नियरेस्ट टू अंडमान एंड निकोबार विच कंट्री टू अंडमान एंड निकोबार आंसर क्या होगा इसका म्यांमार इसका दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या होगा विच कंट्री इज नियरेस्ट टू निकोबार टू निकोबार ओनली निकोबार आंसर होगा आपका इंडोनेशिया इंडोनेशिया में भी कौन सा उसका आइलैंड तो वो होगा सुमात्रा ठीक है जो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में चैनल है उसको हम ग्रेट चैनल बुलाते हैं ग्रेट चैनल अंडमान और निकोबार और म्यांमार के बीच में जो चैनल है उसको हम कोको चैनल बुलाते हैं अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है वो टेन डिग्री चैनल है साउथ अंडमान और लिटल अंडमान के बीच में डंकेन पैसेज है ये रटलैंड आइलैंड है यहां से देखिए दो आइलैंड अंडमान और निकोबार के वोल्केनिक ओरिजिन के हैं वो वोल्केनिक ओरिजिन है आपका नारकोंडम वोल्कैनो एक्टिविटीज यहां पर होता है वोलनिज्म होता है दूसरा है बैरन आइलैंड कैपिटल कहां पर है कैपिटल आपके साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर अभी रिसेंटली तीन आइलैंड के नाम चेंज किए गए जिसके अंदर हैवलॉक आइलैंड नील आइलैंड एंड रोस आइलैंड है इनके नाम क्या रखे गए स्वराज द्वीप शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड ये तीनों ही आपके साउथ अंडमान में आएंगे कहां पर आएंगे अरे आयुष जबरदस्त सही में आयुष अरे जबरदस्त लेकिन राहुल तो कह रहा आयुष तो में है सेक्शन बी में क्या ये सच है सच क्या है इसमें से राइट right. अब एक चीज देखिए कि नदन निकोबार नदन निकोबार ये पूरा नदन निकोबार लिटल निकोबार और ग्रेट निकोबार से अलग कैसे होता है किस चैनल से अलग होता है वो होता है संबर एरो सोम्बर एरो चैनल तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैनल आपने देखे कोको चैनल चैनल ग्रेट चैनल तीन आइलैंड्स के नाम आपने देखे स्वराज द्वीप शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड ये सारे के सारे आपके साउथ अंडमान में पड़ेंगे ठीक है जी अभी तक का क्लियर है संबर एरो चैनल कहाँ पर है संबर एरो चैनल नदन निकोबार और लिटिल निकोबार को सेपरेट करता है क्या करता है सेपरेट कौन संब्र सेपर अब ये मुझे मत कहना कि आपने फर्स्ट टाइम सुना है हाँ जी ठीक है यहां तक चले कुछ फैक्ट्स देखते हैं अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार की जो एक्सटेंशन है।, है वो सिक्स डिग्री से लेकर के थर्टीन डिग्री तक है ये एक आरकी पेलेगो है जिसके अंदर टोटल 265 बिग आइलैंड्स हैं और जिसमें से आपके 62 निकोबार आइलैंड्स में आएंगे ठीक है 265 बिग आइलैंड्स है अंडमान निकोबार एक्सटेंड्स फ्रॉम हो गया ये तो बहुत बार चले अंडमान निकोबार डिवाइड इन थ्री मेन आइलैंड्स नॉर्थ मिडल एंड साउथ ठीक है सदर्न अंडमान सेपरेटेड फ्रॉम द लिटल अंडमान फ्रॉम डंकन पैसेज याद हो जाएगी ये चीज कोई दिक्कत नहीं है ग्रेट अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड दी नॉर्थ इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल जो आपका लिटिल अंडमान है वो साउथ अंडमान से सेपरेट होता है किससे 10 डिग्री चैनल सॉरी 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 अंडमान एंड निकोबार सेपरेट होते हैं आपके 10 डिग्री चैनल से यहां पर है आपका लिटिल अंडमान और सदर्न अंडमान ये सेपरेट होते हैं yeah. डंकन पैसे से बहुत बार कर लिया हमने ये सब चीज ठीक है जी ग्रैंड चैनल इज बिटवीन द ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड द सुमात्र आइलैंड ग्रैंड या ग्रेट ठीक है ग्रेट कर देता हूँ मैं क्योंकि हमने मैप में ग्रेट ही पढ़ा है ठीक है ग्रेट चैनल होगा ये कोको आइलैंड बिटवीन द नॉर्थ अंडमान आइलैंड एंड दी कोको आइलैंड ऑफ म्यांमार पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार लाइज इन ददरन अंडमान कितने सारे फैक्ट्स हैं इसके अंदर देख लीजिए जवाब दो क्लियर है ना इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ यहाँ पर चले आगे चले अलोंग दिकोबार आइलैंड ग्रेट निकोबार इज दार्जेस्ट सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार है इट इज ददर मोस्ट आइलैंड एंड वेरी क्लोज टू दन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया कार्ड निकोबार इज द नदर मोस्ट मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड आर मेड ऑफ टर्शरी सैंडस्टोन लाइम स्टोन एंड शेल रेस्टिंग ऑन बेसिक एंड अल्ट्रा बेसिक वोल कैनोज जो कि दो प्लेट्स के बीच में है ठीक है जी द बैरन एंड नारकोंडम आइलैंड्स नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर आर आर आइलैंड ओनली एक्टिव बोलकेर नोल एक्टिव लैंड इंडिया के मेन लैंड पर किसी भी तरीके से कोई वोल्केनिक एक्टिविटीज नहीं होती है इंडिया के अंदर दो ही जगहों पर दो आइलैंड्स पर ही वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है एक है नारकोंडम और एक है आपका बैरन आइलैंड ठीक है जी सम ऑफ दिस आइलैंड्स आर विद कोरल रीफ मैनी ऑफ देम आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट मोस्ट ऑफ देम आइलैंड्स आर माउंटेनियस अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें सैडल पीक इज दाइएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार और वो किस आइलैंड पर है वो है आपके नॉर्थ अंडमान पर द अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर द ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट मरीन क्लाइमेट कहां होता है यहां पर जहां पर फाइव हंड्रेड मीटर्स या सेंटीमीटर्सोंग के अप्रोक्सीमेट यहां पर रेनफॉल होती है थिक फॉरेस्ट दिखते हैं वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसीडियस के बीच पर वेजिटेशन होती है ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट होगा यहाँ पर द रीजन इज अंडर डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द कोस्टल रीजन हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट कोकोनट फ्रूट इज दूड ऑफ द पीपल फिशरीज पिगरी इज ऑल्सो फॉलोड ठीक है जी दी आइलैंड आर ऑल्सो फेमस फॉर दी लार्जेस्ट एंड रेयरस्ट स्पीसीज ऑफ क्रैप बहुत बड़ा ये बहुत बड़े साइज का होता है क्रैप जिसको हम जॉइंट रोबर क्रैप बुलाते हैं इट कैन क्लाइंब अ कोकोनट ट्री एंड ब्रेक द हार्ड शेल्फ ऑफ द फ्रूट ये हम समझ ही गए इतना बड़ा होता है बहुत अच्छा खासा साइज का होता है अच्छा खासा बड़ा नारियल खाता है अगला चलिए द मेन आइलैंड आर इन इनहेबिटेटेड द इन हैबिटेटेड आइलैंड्स आर आल्सो स्पार्शली पॉपुलेटेड जिसके अंदर हमें तीन तरीके की या चार तरीके की व्हाट कॉल ट्राइब्स मिलती हैं एक तो है आपकी सेंटिनलीज एक है जरेवा एक है ओंग ये ट्राइब्स के नाम है जो मिलते हैं कहाँ अंडमान एंड निकोबार पर स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान इज डुगोंग ये एक सी मैमल है बस ठीक है इतना बहुत है चले हाँ वो क्रैब ही है <laughs> चले और राइट ये देख लिया आपने चल एक इंटरव्यू आइलैंड है यहाँ पर देखिए बेऑफ बंगाल के साथ इंटरव्यू आइलैंड साउंड ऑट्रम बाकी जो नाम थे वो चेंज कर दिए गए हैंवलॉक का नाम सवराज द्वीप हो गया है नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप हो गया है और रॉस आइलैंड का नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड ठीक <coughs> है जी डन है चलो रिची आर्की पेलेगो की बात करेंगे हम रिची आर्की पेलेगो इज द क्लस्टर ऑफ स्मॉलर आइलैंड्स जो कि ग्रेट अंडमान के पास है इस, इस, इसी, इसी आर की पेलेगो को हम रिची बुलाते हैं दिस इज रिची आर की पलेगो में क्या क्या है नील आइलैंड दोबारा से बात कर लेते हैं नील आइलैंड एंड हैवलॉक आइलैंड्स इज इन रिची आर की पेलेगो नाम क्या हो गया है नील आइलैंड और हैवलॉक का नील का नाम हो गया है? शहीद हैवलोक का स्वराज नील का नाम हो गया है शहीद हैवलोक है का हो गया है स्वराज ठीक है जी लिखा हुआ है नील आइलैंड शहीद हैवलोक स्वराज हो लिखा हुआ है आप और एक आइलैंड है जिसका नाम है रॉस आइलैंड वो हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड ठीक है जी डन इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है लक्षद्वीप की तरफ आएंगे लक्षद्वीप अरेबियन सी में पड़ेगा अरेबियन सी में ये देखिए यहां पर क्या है आपका एट डिग्री है यहां पर एट डिग्री है उसके नीचे जीरो डिग्री होगा जीरो डिग्री मालदीव्स में से गुजरता है जीरो डिग्री माल डीव में तो से निकलता है वो मार दे तो उससे साफ, साफ हो जाएगा स्पिरिट से साफ हो जाएगा उससे साफ हो जाएगा तो तो ये इम्पोर्टेंट तो है तो रोलर होता है चलो जी तो जीरो डिग्री से मालदीव्स गुजरेगा तो मालदीव्स इज द कंट्री जो कि नदन हेमिस्फेयर में भी है और सदन में भी है इट मीन्स वहां से इक्वेटर गुजर रहा है सेम ऐसा ही आपकी इंडोनेशिया भी है इंडोनेशिया और एक आइलैंड और है आपका तो तो कोई बता सकता है उसका नाम तो तीन ऐसे आइलैंड है जो कि नदन हेमिस्फेयर में भी आते हैं सदन में भी आते हैं एक तो मैंने आपको बता दिया मालदीव है दूसरा आपका इंडोनेशिया तीसरा आपका कौन सा हाँ इक्वेटर यस इक्वेटर तीसरा है आपका गैला आइलैंड Galapagos. Galapagos आता इक्वाडोर के अंदर है वो अलग बात है ठीक है चले, हम बात करते हैं लक्षदीप की लक्षद्वीप एट डिग्री चैनल से सेपरेट हो गया मालदीप से ये है मीनिकॉय मिनिकॉय और मेन ग्रुप जो है अंडमान निकोबार का ये सेपरेट होता है नाइन डिग्री चैनल से किससे नाइन डिग्री चैनल से, से. ठीक है मिनिकॉय से ऊपर आप जाएंगे तो कारावती है यहाँ पर नदन मोस्ट की बात करेंगे तो चिरबानी आनी एक रीफ है वो है अगर हम सबसे ईस्टर्न आइलैंड की बात करेंगे तो वो एंद्रोथ है अगर हम सबसे वेस्टर्न की बात करेंगे तो वो आपका बायरम गोरे रीफ है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप बांध करके चलिए इसको क्योंकि इसमें ये फैक्ट्स बहुत हमें चाहिए होते हैं जैसे कि मिनी कोई सेपरेटेड है नाइन डिग्री चैनल से एट डिग्री चैनल से ये मालदीव से सेपरेटेड है ऑल टुगेदर, सबसे ईस्टर्न में आपका आएगा, ठीक है ये चलिए। लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड इन द अरेबियन सी इज अ ग्रुप ऑफ थर्टी सिक्स 32 थर्टी टू स्क्वेयर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है एट डिग्री से ट्वेल्व डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड्स के बीच में आता है मेन आइलैंड अंडर द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप आर कारावती अगाती मिनिकोय अमीन अगर हम बात करें इसकी कैपिटल की तो ये है कारावती दीज आइलैंड्स आर अर्लियर नोन एज लक्कादीप लक्का सी भी आप जानते हैं लक्का सी की बात करें तो इंडिया का जो मेन लैंड का सदर मोस्ट पॉइंट है जिसको हम केप कोमोरिन बुलाते हैं केप कोमोरिन से मालाबार कोस्ट कोस्ट मालूम है ना मालाबार आपको तो, तो, तो मालाबार भाई साहब आपके किसके नीचे आएगी कौकण के नीचे आएगी नुण देगे नुण देगे नुण देगे। तो यहां पर अगर हम पैनिस बना देते हैं खुद से अपना मतलब खुद से अपना नहीं इंडिया का पैनिस में भाई मेज होगी रुकिए एक मिनट चलिए यही बनाते हैं तो इंडिया के ये सदर्न मोस्ट पॉइंट केप कॉमोरिंग से लेकर के लगभग यहां तक दिस इज मालाबार कोस्ट तो यहां पर जो वाटर बॉडी है ना उसको हम लक्कादीप सी बुलाते हैं तो लक्कादीप सी इज नथिंग बट दी लक्षद्वीप सी लक्षद्वीप सी ये यह लक्षद्वीप यहां पर आइलैंड्स है इसी के नाम पर दिया हुआ है एट डिग्री चैनल सेपरेट करता है उसको मालदीप से नाइन डिग्री चैनल एक आइलैंड सबसे नदन मोस्ट है जिसका नाम है आपका मिनी मिनिकॉय मिनी से मेन ग्रुप से अलग करता है इसको नाइन डिग्री चैनल क्लियर ऑल गुड कोई दिक्कत कोई परेशानी देख पा रहे हैं आप यहां पर चेरियम कालपेनी एंद्रोत चेतलात बित्रा अगाती कारावती सुहेली मिनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहां पर आइलैंड्स है नाम है इनके यहां पर अगर हम जुरेशन की बात करें कि किस हाई कोर्ट की जुरुडिक्शन यहां पर होती है तो केरला हाई कोर्ट की होती है मेजरली यहां पर जो लैंग्वेज है वो मलयालम ही बोली जाती है ठीक है डन ये तो हो गया आइलैंड्स की क्या इंडिया के पास यही आइलैंड्स है आहा 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 ऐसा नहीं होता है इंडिया के पास और भी आइलैंड्स हैं अरे बहुत है अपने पास न्यू मूर आइलैंड न्यू मूर आईलैंड साउथ तलपट्टी एंड दूरबाशा आइलैंड ये दोनों को मिलाकर के हमारे पास बनते हैं न्यू मूर आइलैंड ये स्मॉल अन इनहेबिटेटेड ऑफ द आई से साउथ ऑफ सुंदरबंश साउथ ऑफ सुंदरबंश ठीक है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में ठीक है इट इमर्स इन बे ऑफ बंगल इंडी आफ्टर मैथ ऑफ भोला साइक्लोन नाइनटीन सेवेंटी में भोले साइक भोला साइक्लोन ने भोले साइक्लोन भोला साइक्लोन्स ने काफी चीजों को डेन्यूडेट कर दिया इराड कर दिया इराड करने के बाद वो बिल्कुल मेन लैंड से अलग हो गया बिल्कुल जो कि आपका डेल्टा रीजन था उससे एक अलग आईलैंड निकले जिसको हम बुलाते हैं न्यू तो ये सीधा क्वेश्चन बनता है सीधा क्वेश्चन क्या है कि न्यू मोरालैंड का प्लेस कौन सा है वो है ऑफ बंगाल सुंदरबंश के पास और भोला साइक्लोन्स ने 1970 में इसको बनाया है इट क्योंकि टाइड्स आती है और डिपोजिशन जैसे जैसे होती है ये इकट्ठा होता रहता है अदरवाइज गायब हो जाता है डिसअपेयर हो जाता है राइट right. इंडिया और बांग्लादेश दोनों इसके ऊपर सोवनिटी क्लेम करते हैं लेकिन नाइन ट्वेंटी फिफ्टीन के अंदर बांग्लादेश से हमने सभी के सभी बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्लियर कर लिए हैं वाटर डिस्प्यूट रह गया सिर्फ बांग्लादेश के साथ वो भी रिवर फेनी को लेकर के रिवर टीस्टा रिवर फेनी टीस्टा का भी रह गया है रिवर फेनी का भी रह गया है और टीस्टा का जो है जो वाटर जो सब्जेक्ट है वो आता है स्टेट के अंदर स्टेट के अंदर आने के लिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल की मतलब उसका कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है तो वेस्ट बंगाल ने फिलहाल इसके ऊपर कोई कंसेंट नहीं दिया है कि हम लोग वाटर रिलीज करेंगे बांग्लादेश को अपार्ट फ्रॉम दिस सिर्फ और सिर्फ व्हाट अपार्ट फ्रॉम दिस वाटर डिस्प्यूट सारे डिस्प्यूट ट्वेंटी में सेटल हो चुके हैं बांग्लादेश के से तो यहाँ पर मान के चलेंगे कि ये इसका जो अवार्ड है इंडिया ने न्यूमोर आइलैंड का बांग्लादेश को दे दिया है ठीक है जी ठीक है दिस इज द्लेस न्यू मोर आइलैंड ठीक है जी न्यू मोर आइलैंड और यहां पर इंडिया की तरफ एक इंपॉर्टेंट है सागर आइलैंड ठीक है जी सागर आइलैंड राइट दीव आइलैंड भाई सब देखिए दीव कितना जबरदस्त है दमन एंड दीव सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर बाई गल्फ ऑफ खंबाथ तो दीव की बात करेंगे इट इज लोकेटेड ऑफ द साउथ कोस्ट ऑफ काठियावाड़ काठियावाड़ इज अ पेनिंसुला गल्फ ऑफ कच एंड गल्फ ऑफ खंबात के बीच में एक पेनिंसुला आता है इंडिया का वेस्टर्न पार्ट ये जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है गल्फ ऑफ कच गल्फ ऑफ ख़म्बा, दिस इज काठियावाड़ी पैनन्सुल काठियावाड़ पैनसुलर और यहां पर आपको गिरनार जो माउंटेन रेंजेस है वो भी दिखेगा गिर माउंटेन रेंज फेमस फॉर गिर लायन एंड द वाइल्ड डंकी ठीक है जी तो यहाँ पर हम आ गए हैं अच्छा ये ये रह गई थी कोई बात नहीं हो गया है इसका ठीक है जी दी आइलैंड द कोस्ट हैज लाइमस्टोन क्लिफ रॉकी कोव्स कोव्स क्या होते हैं एनीवन व्हाट इज कोव व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय अ कोव देखिए एक होता है आपके पास बे बे से नैरो अगर हम जाएंगे तो आपके पास होता है गल्फ गल्फ को और ज्यादा नैरो करेंगे तो आपको मिलेगा कोव यहां पर लिखा हुआ है कोव रॉकी है वो इट मींस वहां पर रेनफॉल कम होने की वजह से वेपोरेशन ज्यादा होती है रेनफॉल कम होती है तो वहां पर जो डिपोजिशन होती है नर्मदा तापी और इन, अपना इंडस की वजह से उस पूरे एरिया की बात कर रहा हूं ऑलटूगेदर रीजन की बात कर रहा हूं रेनफॉल कम होती है वेपोरेशन ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो रॉकी सब्सटेंस रॉकी मेट्रस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है सैंडी बीच एंड बेस्ट ऑफ विच आर आर द नागोवा नागोवा ये सभी के सभी प्लेसेस नागोवा के पास हैं दिस इज हेयर नागोवा नागोवा बीच भी है बहुत फेमस दीव आइलैंड इज फेमस फॉर द हिस्टोरिकल दीव फोर्ट एंड ब्यूटिफुल बीच इज मैसिव फोर्ट बिल्ट बाय द दोर्चुगीज डोमिनेटेड द स्काई लैंड नागोवा बीच इज द मोस्ट फेमस इन दीव अनदर ब्यूटीफुल बीच इज घोगला बीच घोगला 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 यहाँ पर ठीक है जी चल मजुली आइलैंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर राइन आइलैंड ये रिवर के ऊपर है ये रिवर राइन कहां पर असम कौन सी नदी ब्रह्मपुत्रा ठीक है जी हाँ जी बस साइज का मैटर मैटर करता है साइज मैटर का क्या मतलब है वो छोटा होता रहता है एक वाटर बॉडी है एक वाटर बॉडी अगर वो ब्रॉड है तो वो बे हो जाएगी अगर वो छोटी छोटी है तो वो गल्फ हो जाएगी वो और ज्यादा छोटी तो वो हो जाएगी कोव ठीक है चले तो मछुली इज दी लार्ज रिवर आइलैंड आइलैंड इन दी ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम इट वाज़ फॉर्म ड्यू टू कोर्स चेंज बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी मेनली लोहित रिवर की वजह से इट वाज़ ओरिजिनली अ पीस ऑफ लैंड बिटवीन ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द भूरी दिहांग भूरी दिहांग थोड़ा साउथ में आएगी ड्यू टू तो दर्थ को एक बैक इन मेडिवल टाइम ब्रह्मपुत्र ने अपना कोर्स चेंज किया और मजुली आइलैंड बने हैं मजुली इज आल्सो द एडोब ऑफ द आसमीज नियो वैश्ना कल्चर चले बस ठीक है इतनी ही बात करेंगे इसमें इसके अंदर और यहाँ पर ये जो मजुली आइलैंड है दिस इज द होम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड जिसके अंदर स्टॉर्क पेलिकन साइबेरियन क्रेन वगैरह ज़्यादा आते हैं ठीक है जी तो ये रामसर जो है इसके आस नहीं राम सर की बात नहीं करेंगे हाँ राम सर कन्वेंशन के अंदर भी आएगा ठीक है राम सर कन्वेंशन के अंदर आएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट बीचज है जैसे अगर हम कोलाबा की बात कर रहे हैं माहिम की बात कर रहे हैं अगर मुंबई की बात कर रहे हैं साल सेट की बात कर रहे हैं बेसिन की बात कर रहे हैं ये सभी के सभी आपके आइलैंड्स हैं जो मिल करके बनते हैं क्या मुंबई तो ऑफ आइलैंड ऑफ मुंबई पहले आएगा बुच्चर आइलैंड ये पूरा का पूरा बुच्चर आइलैंड के अंदर आएगा बुच्चर ये रहा ये बुच्चर आइलैंड ठीक है जी बुच्चर आइलैंड जिसको हम जवाहर द्वीप के नाम से भी जानते हैं ये मुंबई के जस्ट यहीं पर है मुंबई के जस्ट नीचे इट इज एन ऑयल टर्मिनल यूज्ड बाय द पोर्ट अथॉरिटीज टू ऑफ लोड इट फ्रॉम दी ऑयल टैंकर्स बढ़िया है द क्रूड ऑयल इज स्टोर्ड इन ऑयल कंटेनर्स ऑन द आइलैंड बढ़िया है और पाइप्स हैं वडाला तक यहाँ बुचर आइलैंड से वडाला तक यहाँ और ये यह पाइप से फिर आगे रिफाइनरी तरफ जाता है द क्रूड ऑयल इज स्टोर्ड इन ऑल कंटेनर्स हो गया ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई मैंने आपको ठीक है जी चले और कौन से आइलैंड्स हैं ऑफ़ द कोस्ट ऑफ मुंबई एक है एलिफेंटा आइलैंड एलिफेंटा आइलैंड और घरा आइलैंड ये आपके मुंबई हार्बर के अंदर ही है एलिफेंटा केप्स के लिए फेमस है दूसरे आपके ऑयस्टर रॉक्स ऑयस्टर रॉक इज एन आइलैंड इन द मुंबई हार्बर इट इज़ फोर्टिफाइड एंड ओन्ड बाय इंडियन नेवी ठीक है जी ऑयस्टर अरे भाई नाम तो ठीक है। हैंडलेस ठाकुर का क्या मतलब है गब्बर को पकड़ने जा रहे हो आप नाम चेंज करो हैंडलेस ठाकुर और फॉर्म आया तो भरो रामलाल है कि नहीं है पास में हाँ हैंडलेस ठाकुर रामलाल को भी रखना होता है फिर हैंडलेस बंदों को चले जी आइलैंड ऑफ आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा किसके लिए फेमस है शार शार क्या सतीश धवन स्पेस सेंटर तो इंडिया की सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है लॉन्च यहाँ पर पी एस एल बी जी लॉन्च किया जाता है जो कि हम सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं इसको शार भी कहा जाता है और आई का मेन एक लॉन्चिंग साइट है ये श्री हरिकोटा ठीक है जी इट सेपरेट द पुलिकट लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड इज होम ऑफ होम टू द टाउन ऑफ पुलिकट पुलिकट लेक चलो जी श्रीहरिकोटा बच्चे ठीक है ये श्रीहरिकोटा है टेक्निकल एरिया एक्सप्लोसिव स्टोरेज साउंडिंग रॉकेट पैड पी एस एल वी पैड एस एल वी एस एल एस एल वी पैड मतलब आपका सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल पैड ठीक है जी ये पूरा का पूरा ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा ठीक है बैरियर आइलैंड है बे ऑफ बंगाल के अंदर और इट हाउसेज दी सतीश धवन स्पेस सेंटर हो गया ये ठीक है ओके okay, चले राइट चल पंबन आइलैंड पंबन आइलैंड क्या है मैं आइलैंड के बारे में मेजरली बता रहा हूँ आपको फिर ड्रेनेज पैटर्न एक ही दिन में खत्म करेंगे ढेर सारी नदियाँ कल मोस्ट प्रॉब्ली लेकर के आऊँगा उसके बाद मैं आपको सेंट्रल आइलैंड्स सेंट्रल हाइलैंड्स और वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के बारे में बता दूंगा बस खत्म करेंगे फिर आइलैंड्स ऑफ तमिलनाडु पंबन आइलैंड पंबन आइलैंड्स, माय डियर फ्रेंड ठीक है जी पंबन आइलैंड किसके पास है राम सेतु के पास राम सेतु जो कि एक इस्थमस की तरह काम करता है इंडियन मेनलैंड और श्रीलंका के बीच में ठीक है ये कहाँ पर है इट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन द गल्फ ऑफ मन्नार एंड द रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु इट इज नॉन एज द रामेश्वरम आइलैंड मोस्ट ऑफ पंबन आइलैंड इज कवर्ड विद द वाइट सैंड द चेन फोमड बाय पंबन आइलैंड द दोल ऑफ एडम्स ब्रिज एंड द मन्नार आइलैंड ऑफ श्रीलंका सेपरेट पाक बे एंड दी पाक स्ट्रेट इन दी नदन छोड़ दीजिए इसको इसको इतना ज्यादा नहीं करना बस पंबन आइलैंड जो है वो आपका ये पाक बे है और इधर आपका लक्का सी ना लक्कादीप नोट नोट लक्का द्वीप सी यहाँ से ठीक है हम ये भी कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी यहाँ से मर्ज होते हैं ठीक है जी आपके पाक बे या आपका आ, स्टेट ऑफ मन्नार से ठीक है जी पंबन आइलैंड्स तमिलनाडु से है पंबन यहाँ पर रेलवेज के वजह से काफी इम्पोर्टेंट है ये रेलवे में इंडियाज फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिमिट ब्रिज ठीक है जी पंबन आइलैंड से अदर आइलैंड्स अब्दुल कलाम आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा इट इज़ इंडियाज मोस्ट एडवांस मिसाइल टेस्टिंग और लेफ्टिनेंट व्हीलर हुआ करते थे इंग्लिश कमांडेंट उसके नाम पर रखा गया था लेकिन अब नाम चेंज हो गया भैया हमारे पास अपने अब्दुल कलाम आजाद जी हैं तो उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है अब्दुल कलाम आइलैंड्स हो गया है अब ये ठीक है जी सागर आइलैंड ये इट इज़ लोकेटेड इन गंगा डेल्टा इन द बे ऑफ बंगाल इट इज़ द लार्ज आइलैंड इन आल्सो एन इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ हिंदू पिलग्रमेज हेलीडे आइलैंड इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इज पार्ट ऑफ द सुंदरबन रीजन इट इज़ लोकेटेड इन द रिवर माल्टा रिवर का नाम है इट इज़ आल्सो डेजिग्नेटेड एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाँ जी बच्चे फ्लोटिंग आइलैंड्स फुमदिस कहा जाता है इतना ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा मुंड्रो आइलैंड मैं आपको बता देता हूँ मुंड्रो आइलैंड इज एन इनलैंड आइलैंड लोकेट ग्रुप लोकेटेड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अष्टमुी लेक एंड दी कलड्डा रिवर इन कोलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला मोन्ड्रो आइलैंड ठीक है जी चले तो नाम ही जानना बहुत ज़रूरी है चले जी आई थिंक मैं इससे ज़्यादा आपको आइलैंड्स के बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा हम बस कच्छा थीवू आइलैंड ये कच्छा थीबू आइलैंड कहाँ पर है इट इज़ एन अन इनहेबिटेड ऑफ श्योर आइलैंड इन द पार्क स्ट्रेट ओरिजिनली ओन्ड बाई द किंग ऑफ रामनाथ प्रेजेंटली डे रामनाथपुरम तमिलनाड फिशरमैन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है टू ड्राई देयर नेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड छोड़ दीजिए ब्रिटिश रूल को चलिए बस बसके बारे में नाम से ही बता रहा हूं मैं आपको और कुछ भी नहीं विच वन ऑफ द फॉलोइंग जी क्वेश्चन आंसर आ जाइए विच अमंग द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंटेन्स ओनली नॉन एग्जाम्पल ऑफ मड वोल कैनो इन इंडिया कॉल्ड लोकली कॉल्ड द दालकी मड आइलैंड्स भी मिलते हैं मड आइलैंड का क्या मतलब है कि वो जब वोल कैनो इप्शन हुआ तो वहां से मड ही निकली और वो एक्यूमलेट हो गई और आइलैंड्स में कन्वर्ट हो गई लोकली उनको जलकी कहते हैं जलकी तो उसका नाम क्या है बर्तंग आइलैंड्स बैरन कार निकोबार या फिर हैवलोक आइलैंड हाँ जी चले जी आंसर बर्तंग चलो सही हो गया ये डंकन पैसेज सेपरेट देखिए इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं जो कि दोनों ही आंसर हो सकते हैं तो ये क्वेश्चन में मैंने डाला इसलिए कि देखिए रटलैंड आइलैंड एंड लिटिल अंडमान साउथ अंडमान का पार्ट है लिटल ये आपका रटलैंड आइलैंड और वो बिल्कुल लिटिल अंडमान से सेपरेट होता है सदर्न अंडमान एंड लिटिल अंडमान तो दोनों आंसर मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आप थोड़ा सा देख लीजिए अगर हम बोलेंगे इसको कि डंकन पैसेज किसको सेपरेट करता है तो साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान आप कर सकते हैं ठीक है रटलैंड हालांकि इज अ पार्ट ऑफ रटलैंड को भी करता है यहाँ पर मुझे दोनों ऑप्शन इसलिए दिए ताकि आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये दो ऑप्शन पूछ सकता है यूपीएससी पी यहाँ पर आप सही या गलत को मत ढूंढिए। यहाँ पर आप अच्छे से बस ये जान लीजिए चीज़ों को डंकन पैसेज सेपरेट्स सदन अंडमान फ्रॉम द लिटल अंडमान ठीक है जी कोस्टल वाटर बॉडी डेट लाइज ऑफ कोस्ट ऑफ इंडिया का सदर्न पॉइंट है तो यहां से स्टार्ट होता है एंड टू दोस्ट पॉइंट ऑफ मालदीव मालदीव यहां पर है उसके साउथ तक आते हैं एंड ईस्ट ऑफ मालदीव मालदीव के ईस्ट में तो इस वाटर बॉडी को हम क्या बुलाएंगे अभी पहले भी हमारी बात हुई थी इसके ऊपर आप सभी को मालूम है ये चले जी थर्ड क्वेश्चन है ये थ्री का आंसर बताइए क्या लिखोगे आप थ्री का ये कर दें ठीक है लक्षदीप सिंह चले ठीक है दी चैनल डेट सेट लक्षदीप आयलेंट्सूट आइलेंट्स और मालिकू अटोल से कोट करता है टेन डिग्री नाइन डिग्री कोको या फिर कारदिवा चैनल अब आपको मालुक् मालिकू मालिकु, मालिकु चलो ये देखिए एक बार मिनी कोई कहीं पार्ट है वो मैप में देख रहा था वो मैप में दिखा नहीं हाँ वो मैप में दिखा नहीं ना मैप इतना ज़्यादा वो हाई रेजोल्यूशन का नहीं था बताइए जी नाइन डिग्री चैनल कर दें ठीक है डन हो गया ठीक है जी चले डेट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग सेशन लाइव आज हमने आइलैंड्स पढ़े थे जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल अर्पित चौधरी अपार्ट फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम चैनल का नाम है टीम अर्पित टीम अर्पित को सर्च करेंगे ईजिली मिल जाएगा आपको ठीक है एंड शेयर uh, जरूर कर देंगे सेशन को और लाइक like भी कर देंगे ठीक है मैं आपसे कल मिलूंगा ड्रेनेज सिस्टम के साथ मेन इंडिया की रिवर्स मैप के साथ अच्छे से देख लेंगे यू गाइस टेक केयर